अब ये सेमी एवरेजेस से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, ठीक है। अब ये एग्जांपल इसलिए मैंने ली है क्योंकि इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ इयर्स हैं ऑड आएंगे, लेकिन जो टू हाफ्स बनेंगे वो इवन होंगे। और आपके जहनों में भी आता होगा कि अगर इवन हाफ्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई हाफ्स में तो हम उनको कैसे डील करेंगे, तो वो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स सोल्ड इन अ बुक स्टॉल फॉर द ईयर 1973 टू 1981। तो ईयर 1973 से लेकर 1981 तक हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो टाइम पीरियड दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट हमें ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब फर्स्ट पे हमें कहा गया फाइंड सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन, कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज, एस्टिमेट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फॉर द ईयर 1982, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैं आपको पिछले एग्जांपल में बता रही हूँ, सबसे पहले ईयर्स वाले कॉलम को हमने क्या करना है, टी से डिनोट कर देना है। नंबर टू पे जो ऑब्जर्व वैल्यूज का कॉलम हमें गिवन है, ये 42 से लेकर 17 तक, इसको हमने किससे डिनोट कर देना है, इसको हमने वाई से, ऑब्जर्व वैल्यूज को वाई से डिनोट कर देना है। अब स्टेप थ्री हमारे पास क्या है, स्टेप थ्री ये है कि हमने सेमी एवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी है। सेमी एवरेज, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, सेमी एवरेज यानी कि टू हाफ्स में पहले हम लोग डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग उनको उनकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे। अब जब हम लोग वैल्यूज़ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़ हमारे पास ये टोटल आ रही हैं। अब 9 वैल्यूज़ को हम फिर दोबारा टू हाफ्स में नहीं उस तरह से डिवाइड कर सकते, लिहाजा जो दरमियानी वैल्यू है उसको हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इस 32 को फर्स्ट हाफ में भी इंक्लूड कर लें और 32 को सेकंड हाफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि इसको डिलीट कर दूं, तो मैं इसको अमूमन इग्नोर कर दिया करती हूं। तो हमने जो दरमियानी वैल्यू है 32, उसको मैंने यहाँ से इग्नोर कर दिया है और उसकी बजाय और दो जो है हमने एक जैसे हाफ्स बना लिए हैं। फर्स्ट हाफ में भी हमारे पास फोर वैल्यूज़ आ गई 42 से लेकर 25 तक, और सेकेंड हाफ में 24 से लेकर 17 तक हमारे पास फोर वैल्यूज आ गई। अब टू हाफ्स बन गए, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, हमने उनकी सेमी एवरेज लेनी है। सेमी एवरेज किस तरह से लेंगे, पहले हाफ की में चार वैल्यूज हैं, चारों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय फोर करना है। 42 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 25 इक्वल्स टू जो भी आएगा डिवाइडेड बाय फोर वैल्यूज हैं तो फोर से डिवाइड करना है। उससे हमारे पास डिवाइड करने से सेमी एवरेज आई 35। 35 को हमने इन फोर वैल्यूज़ के मिडल में लिखना है। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सेमी एवरेज को हमेशा मिडल में रखना है। सेमी एवरेज को हमने क्या किया है, दरमियान में रखना है। अब ये चार वैल्यूज़ हैं तो चार का दरमियान दूसरी और तीसरी वैल्यू का मिड बन रहा है। 38 और 35 के दरमियान में, 1974 और 1975 के दरमियान में हमने इस 35 को लिखना है। इधर से जो है वो हमारे पास 24, 20, 19 और 17 की एवरेज जो है वो 20 आई है, और 20 को भी हमने सेकेंड और थर्ड वैल्यू यानी कि 20 और 19 के दरमियान में लिखना है, ठीक है। ये दरमियान में, इनके दरमियान में यहाँ लिखेंगे 20। उसके बाद अब ये इतना काम हमारे पास क्या हो गया कि हमने सेमी एवरेजेस फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब हम जा रहे हैं सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने के लिए। सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के इक्वल होता है, और बी और ए के फार्मूलाज हम पिछले एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं, ठीक है। उसके लिए अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कोडिंग, यानी कि ईयर को कोड करना, एक्स की वैल्यूज लेना। एक्स के लिए अब दोबारा हमारा फर्स्ट ईयर जो है वो 1973 है, दोबारा हम लोग क्या करेंगे, एक्स को क्या लेंगे, एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 1973, टी वाले कॉलम में से 1973 को माइनस कर देना है। तो 1973 माइनस 1973, एक्स की पहली वैल्यू क्या आ गई, जीरो। 1974 माइनस 1973, एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, वन, और इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद अब हम लोगों ने, ये आपको पता है वाई वन डैश की वैल्यू है फॉर्मूले के अगेंस्ट फर्स्ट जो है, और ये वाई टू डैश की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इन दो दो वैल्यूज़ के अगेंस्ट आ रही हैं, ठीक है ना, इनके भी दरमियान में आएंगी ना, 35 वन और टू के दरमियान में कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पे वन और टू की एवरेज लेंगे, जिसको हम एक्स वन कहेंगे, जो कि 1.5 आएगी। ये 6 और 7 के दरमियान आ रहा है, तो 6 और 7 की एवरेज लेंगे जो कि 6.5 आएगी। ये हमारे पास एक्स टू के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया है, एक्स टू और एक्स वन की वैल्यूज आ गई।